अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 43। आज के इस लेसन में हम ब्रेक कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ब्रेक कमांड क्या होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक अप पॉइंट में क्या फ़र्क है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ब्रेक अप पॉइंट के थ्रू आप क्या काम कर सकते हो, ब्रेक के थ्रू क्या काम कर सकते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ब्रेक कैसे कर सकते हो। तो ब्रेक बेसिकली यूज़ होता है आपकी लाइन को ब्रेक करने के लिए, आपके ऑब्जेक्ट में, आपके रेक्टेंगल या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप बीच में से ब्रेक करना चाहें तो आप उसको ब्रेक करने के लिए आप ब्रेक कमांड यूज़ करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है 3D के लिए भी और 2D के लिए भी। तो उसके लिए आप ऑटोकैड को ओपन करें, यूनिट देखता हूँ सेट है, यूनिट तो सेट है। तो ब्रेक कमांड जो आपकी यूज़ होती है वो आप यहाँ से आप देखें तो आपको यहाँ पे ब्रेक कमांड नहीं है, लेकिन मॉडिफाई में जाए नेक्स्ट तो आपको यहाँ पे ब्रेक कमांड नज़र आएगी। यहाँ पे देखें ब्रेक है और ब्रेक अप पॉइंट कमांड है, आप देख सकते हैं। तो आज हम ब्रेक अप पॉइंट कमांड पे काम करते हैं। तो ब्रेक अप पॉइंट कमांड का फंक्शन क्या होता है उसके लिए भी आप यहाँ पे डायमेंशन सॉरी मॉडिफाई में जाके तो आप यहाँ पे देखें तो आपको ब्रेक यूज नज़र आ रही होगी यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ ब्रेक ही नज़र आ रही होगी और ब्रेक अप पॉइंट यहाँ पे नहीं है। तो ब्रेक अप पॉइंट और ब्रेक में क्या फ़र्क है, तो उसके लिए REC एंटर करता हूँ। ब्रेकअप पॉइंट के लिए आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ से आपको मॉडिफाई में ब्रेकअप पॉइंट कमांड नज़र आ रही होगी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और जहाँ तक आपने ब्रेक करनी है लाइन को आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक के लिए देखें तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो था, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, देखिएगा एक मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, इस रेक्टेंगल को जो मैं सिलेक्ट करता हूँ पूरा पूरा का पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब इस रेक्टेंगल को जो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ तो ब्रेक का पॉइंट के थ्रू मैं ब्रेक करूंगा, तो उसकी शार्ट कमांड में देखता हूँ कौन सी शार्ट कमांड है। तो आप ब्रेक ब्रेक अप है, ब्रेक लाइन है, सिर्फ ब्रेक का है, लेकिन ब्रेकअप पॉइंट के लिए कमांड नहीं है। तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से देखें तो ब्रेकअप पॉइंट पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें अपने ऑब्जेक्ट को, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया जी, ब्रेक हो गया, देख सकते हैं। डिलीट करता हूँ मैं, तो अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट उस पॉइंट से ब्रेक हो गया। तो ये होते हैं जहाँ से आपके जॉइंट होते हैं, मीन आपके यहाँ से मैंने जॉइंट डाला इसको, तो जहाँ से इसमें जॉइंट होंगे वहाँ से क्या हो जाएगी आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक करने के बाद आप इस अपने ऑब्जेक्ट को कोई और शेप भी दे सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर इसको कहीं और से ब्रेक करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं दोबारा से ब्रेक कमांड अप्लाई करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ब्रेक अप पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ से भी ये टूट गई है, देख सकते हैं। एल एंटर करता हूँ, देख सकते हैं आप। तो ये ब्रेक, अब यहाँ से इसको तोड़ना चाह रहा हूँ मैं तो उसके लिए भी आप ब्रेक कमांड यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक अप पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, ब्रेक अप पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ से इस बटन को क्लिक करके यहाँ तक ले जाएं, देखें ये भी हमारे पास यहाँ से भी टूट गई, देख सकते हैं। तो ये होता है जी ब्रेक कमांड का फंक्शन। अब यही देखते हैं हम सर्कल पे अप्लाई होती है कि नहीं, तो सर्कल के आप फिर दोबारा आप इस पर भी आप ब्रेक करें, ब्रेक पॉइंट नहीं जी सर्कल पे अप्लाई नहीं हो रही, देख सकते हैं सर्कल पे अप्लाई नहीं हो रही। मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, ओके जी सर्कल पे अप्लाई नहीं हो रही। अब इसी तरह मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये आर्क पे अप्लाई होती है कि नहीं, ब्रेक आर्क पे अप्लाई हो रही है जबकि सर्कल पे अप्लाई नहीं हो रही। और फिर हम देखते हैं पॉलीगन पे अप्लाई होती है कि नहीं, पॉलीगन और ब्रेकअप पॉइंट,
यस पॉलीगॉन पे भी अप्लाई हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कमांड आपकी सर्कल पे अप्लाई नहीं होती, जबकि पॉलीगॉन पे भी अप्लाई हो रही है, लाइन पे भी अप्लाई होती है, रेक्टेंगल पे भी अप्लाई होती है और आर्क पे भी अप्लाई होती है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल पे अप्लाई नहीं हो रही। यूसीएस आइकन को अपनी ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ, यूसी एंटर डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, और लाइन पे भी देखता हूँ कि अप्लाई होती है कि नहीं, तो आई थिंक लाइन पे भी अप्लाई होती होगी। मॉडिफाई ब्रेक, यस यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो रही है। तो ये जो ब्रेक है, ब्रेक से क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ तोड़ता है, जबकि आपके ब्रेक ब्रेक का पॉइंट से क्या होता है कि सिर्फ एक पॉइंट से ही तोड़ता है, जबकि ब्रेक से आप जहाँ तक आप अपने लाइन को या अपने ऑब्जेक्ट को तोड़ना चाहें, ब्रेक करना चाहें, तो आप वहाँ तक ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेक कमांड है ये आपकी 3D में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं 3D में या फिर कोई शेड देना चाहते हैं तो उस शेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या फिर आप अपने ऑब्जेक्ट पे कुछ शेड अप्लाई करते हैं, कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं, तो वो अगर आपकी शेड या कोई भी चीज़ आपके क्लोज पाथ में, मीन आपके सर्कल में है या फिर आपका रेक्टेंगल में है, क्लोज पाथ में है, तो उसमें आप इसको पाथ नहीं दे सकते। तो पाथ नहीं दे सकते तो आप, मीन आपने शेड अगर कोई बनाया हुआ है तो शेड का पाथ देना चाहते हैं तो आप वो पाथ नहीं दे सकते, तो उसके लिए आप अपने ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए आप ब्रेक कमांड यूज़ करते हैं या फिर ब्रेक का पॉइंट यूज़ करते हैं। तो ये दोनों कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट पे कौन सा काम कर रहे हो और कौन सी कमांड अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तब तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट और उस पर किस तरह का कौन सी कमांड अप्लाई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इन जितने भी हमने कमांड की इन सब के ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि आप इजीली इन कमांड्स के ऊपर काम कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।